दिल्ली से जयपुर लौट रही वंदे भारत ट्रेन पर फेंके पत्थर। दिल्ली के पालम व गुरुग्राम के समीप हुई घटना 7 दिन में तीसरी बार हुई पत्थरबाजी से यात्रियों में भय का माहौल। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब जयपुर के रास्ते अजमेर से दिल्ली के कैंट के बीच हाल ही में शुरू हुई प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। तीसरी बार अज्ञात लोगों ने इस ट्रेन पर पत्थरबाजी की है, जिससे विंडो के शीशे टूट गए। गनीमत रही पत्थर या कांच किसी यात्री को चोट नहीं लगी। रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन को यहाँ से शुरू हुए 15 दिन ही नहीं हुए और इस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। महज 7 दिन में 3 बार इस पर पत्थर फेंके गए हैं। समाज कंटकों ने रविवार सोमवार को लगातार 2 दिन इस घटना को अंजाम दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह घटना शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच हुई। इस दौरान ट्रेन दिल्ली कैंट से जयपुर आ रही थी। दिल्ली के पालम व गुरुग्राम स्टेशन के समीप इस पर पथराव हुआ है, जिसे कोच संख्या C4 व C5 में तीनों बार में एक एक विंडो का कांच टूटा है। घटना के दौरान ट्रेन में RPF स्टाफ तैनात था। उसने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद घटनास्थल के आसपास लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभी तक पत्थरबाजों का पता नहीं चल सका है। 5 साल की सजा फिर भी भय नहीं। वंदे भारत ट्रेन सुरक्षा को लेकर अब रेलवे सुरक्षा बल भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। अभियान चलाकर समझाइश की जा रही है। लोगों को बता रहे हैं कि इस ट्रेन पर पत्थर फेंकने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जयपुर मंडल में गत वर्ष ट्रेनों पर पथराव के 8 मामले सामने आए हैं। तेज आवाज़ सुनकर घबरा गए यात्री। ट्रेन दिल्ली से जयपुर आ रही थी, करीब 110 किलोमीटर की रफ्तार में दौड़ रही थी। अचानक तेज आवाज़ आई, जिससे यात्री घबरा गए। उन्हें कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेन पर पथराव हुआ है, जिससे शीशे टूटे हैं।